बच्चों का फ्री में निकाल रहे हो। ये बात तो मैया जी सही कह रहे कि मैया जी का अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है या जो शूट हो रहा है उसमें मक्खियों का तो फ्री में निकल रहा है। आप अगर किसी का शूटिंग करो तो उससे आप चार्ज करते हो, मक्खियों से तो कोई चार्ज नहीं करते हो, है मैया? इनका तो फ्री में निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम जान के निकालते हैं तो वो पैसे लेते हैं, उनको बेचारियों को पड़ी नहीं है, मेरा निकले कि नहीं निकले कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए उनका फ्री में निकलता है। इसलिए उनका इच्छा ही नहीं है, इनको इच्छा नहीं है इसलिए फ्री में निकलता है। ब्रह्मा की सृष्टि में जीव भी ऐसे ही एक मच्छर की तरह है। तो जैसे आपसे ये मक्खियाँ लग गई है तो आपका इसका फ्री में आ रहा है, ऐसे ही जीव रूपी मच्छर यदि परमात्मा को लगा रहे हाँ तो उसका बेड़ा पार हो जाए, उसका भी फ्री में बेड़ा पार। लगे रहना चाहिए, लगे चिपके रहना चाहिए। तो संसार से चिपके रहे तो क्या, संसार की तो कोई वैल्यू नहीं है, संसार की वैल्यू ही नहीं है। संसार से चिपके रहेंगे तो जन्म मरण में पड़ेंगे, संसार से चिपके रहेंगे तो जन्म मरण में पड़ेंगे, दुख सब भी सुख दुख सब लागू होगा। और अगर परमात्मा से चिपके रहेंगे तो लग भले सुख दुख आएंगे पर वो लगे उसकी कीमत नहीं रहेगी, अपने को टच नहीं करेंगे। इसीलिए मक्खियाँ जैसे मनुष्य को चिपकती रहती है, चिपक के रहती है, मक्खियाँ जैसे बिन बिनाती रहती है आगे पीछे, ऐसे ही इंसान को भी परमात्मा के आगे बिन बिनाते रहना चाहिए। इसको कहते हैं हर छोटी चीज में से ज्ञान का स्फुरण होना।